आईपीएल 2024 का 64वां मैच मंगलवार 14 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दिल्ली के लिए यह उनका आखिरी लीग मैच है, जबकि लखनऊ अपना सेकेंड लास्ट लीग स्टेज मैच खेलेगी। दोनों टीमों के लिए जीत अहम है, हालांकि दिल्ली के केस में बात थोड़ी अलग है, क्योंकि सिर्फ जीत ही दिल्ली को प्लेऑफ में नहीं ले जा सकती है। उन्हें यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा और दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। आइए जानते हैं इस हाई वोल्टेज मैच की पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए सबसे पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को जान लेते हैं। दरअसल यहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर मदद मिलती है। इस स्थान पर हाल के मैचों में गेंदबाजों का दबदबा रहा है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को बड़ा स्कोर खड़ा करने में संघर्ष करना पड़ा है। खेल के दूसरे चरण में गेंद यहां रुक कर आती है, इसलिए टॉस जीतकर दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगी। ये तो हो गई पिच की बात, अब दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर दिल्ली की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उनके लिए एक बार फिर जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उनके मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे स्टार्स को एक्शन में देखा जा सकता है। जाहिर है कि पंत एक मैच का बैन झेलने के बाद वापस एक्शन में लौट रहे हैं। आगे दिल्ली के लिए ऑलराउंडर की भूमिका में अक्षर पटेल को एक बार फिर एक्शन में देखा जा सकता है। इस फ्रेंचाइजी के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और खलील अहमद जैसे गेंदबाजों पर होगी। अब अगर लखनऊ की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उनके लिए एक बार फिर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक को बतौर ओपनर देखा जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में इस टीम के लिए आयुष बदोनी और निकोलस पूरन नजर आएंगे। आगे ऑलराउंडर की भूमिका में एक बार फिर मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पंड्या को देखा जा सकता है। वहीं इस टीम के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर रवि बिश्नोई, नवीन उल हक और यश ठाकुर जैसे गेंदबाजों पर होगी। चलिए अब जानते हैं इस मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपर के तौर पर निकोलस पूरन, केएल राहुल और ऋषभ पंत को रख सकते हैं। बल्लेबाज के तौर पर जैक फ्रेजर और ट्रिस्टन स्टब्स को शामिल किया जा सकता है। ये दोनों खिलाड़ी तेजी से रन बनाकर आपको ढेर सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं। ऑलराउंडर के स्लॉट में आप अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस को आजमा सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजी के विकल्प के लिए आप कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, खलील अहमद और रवि बिश्नोई को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए पहले बेस्ट विकल्प क्रमशः जैक फ्रेजर और ऋषभ पंत हैं। जैक फ्रेजर और ऋषभ पंत के अलावा आप कप्तान और उपकप्तान के लिए केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस को भी आजमा सकते हैं। तो ये थी दिल्ली बनाम लखनऊ मुकाबले के लिए एक बेस्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम। ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।